गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज सुमित अरोरा, वेलकम्स यू ऑल इन दिस वीडियो ऑफ डायोस्कोरिया। टुडे वी विल डिस्कस डायोस्कोरिया। दिस डायोस्कोरिया इज द ड्रग विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्टेरॉयडल सैपोनिन। इसका जो पोर्शन यूज किया जाता है उसका नाम है ट्यूबर्स। इट इज अ पार्ट ऑफ राइजोम ओनली, सो यू हैव टू रिमेंबर द पार्ट इज ट्यूबर्स। लेट्स स्टार्ट विद डायोस्कोरिया। दिस डायोस्कोरिया बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स। आपके सिलेबस में एक कैटेगरी दी है, उसमें दिया है स्टेरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड टर्पिनॉइड, जिसमें अपन ने कार्डियक ग्लाइकोसाइड का ड्रग डिजिटलिस और टर्पिनॉइड्स का ड्रग लिक्योराइज देखा है। टुडे वी विल डिस्कस दी स्टेरॉइडल ड्रग दैट इज डायोस्कोरिया। सो डायोस्कोरिया बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट इज सिनोनिम। नेम ऑफ द डायोस्कोरिया और द सिनोनिम्स ऑफ डायोस्कोरियाज आर याम एंड रोमैटिज्म रूट। ये रोमैटिज्म रूट से आप याद रखोगे कि दिस ड्रग इज हाईली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रोमैटिक डिसऑर्डर, इसलिए इसका सिनोनिम जो है उसको रोमैटिज्म रूट के नाम से या याम के नाम से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट इज ट्यूबर्स, इट इज द एनलार्ज पार्ट ऑफ द राइजोम, इट इज अ पार्ट ऑफ द राइजोम्स ओनली। सो डायोस्कोरिया इज द ड्राइड ट्यूबर्स ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ डायोस्कोरिया। हियर मोर देन वन स्पीसीज आर गिवन, लाइक डायोस्कोरिया वाइलोसा, डायोस्कोरा प्राजेरी, डायोस्कोरिया कंपोजिट, डायोस्कोरिया स्पिकुलीफ्लोरा, डायोस्कोरिया डेल्टोइडा एंड डायोस्कोरा फ्लोरीबंडा। इसमें से आपको डायोस्कोरिया डेल्टोइडा ये याद रखना है और लिखना ही है, ये कॉमनली यूज स्पीसीज है इसकी, बाकी भी आप लिख सकते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो बन रहा है वो है डायोस्कोरिया इज अ ड्राइड ट्यूबर्स ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ डायोस्कोरिया, लाइक डायोस्कोरिया डेल्टोइडा, डायोस्कोरिया कंपोजिट एंड अदर स्पीसीज, एंड फाइनली इट बिलोंग्स टू द फैमिली डायोस्कोरियासी। फैमिली आप आसानी से याद रख सकते हैं, डायोस्कोरिया के नाम से उसकी फैमिली है डायोस्कोरियासी। यह है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। अब बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। जैसे अपन ने डिस्कस किया है कि इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी कॉल्ड एज स्टेरॉयडल सैपोनिन, हिन्स द मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन डायोस्कोरिया विल बी डायोजेनिन, दैट इज अ स्टेरॉयडल सैपोजेनिन। तो ट्यूबर्स में जो डायोजेनिन रहता है उसका परसेंटेज होता है 4 to 6%, उसी को स्टेरॉयडल सैपोजेनिन कहा गया है। ये डायोजेनिन जो इसके ग्लाइकोसाइड फॉर्म में भी होता है, उसके जो ग्लाइकोसाइड फॉर्म है या उसके जो ग्लाइकोसाइड अटैच रहते हैं उसका नाम है स्मिलाजेनिन, एपिस्मिलाजेनिन एंड बीटा आइसोमर यामोजेनिन। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फोर नेम। फर्स्ट इज डायोजेनिन, दैट इज अ स्टेरॉयडल सैपोजेनिन, एंड इट्स ग्लाइकोसाइड दैट इज स्मिलाजेनिन, एपिस्मिलाजेनिन एंड बीटा आइसोमर यामोजेनिन। इट ऑल्सो कंटेन दिस सैपोजिनेज एंजाइम। ये एक यूनिक बात है जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपके काम की रहेंगी, कौन सा एंजाइम अदर देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डायोस्कोरिया में मिलता है। तो डायोस्कोरिया के नाम से आप एंजाइम याद नहीं रख सकते, लेकिन डायोस्कोरिया की जो कैटेगरी है वो है स्टेरॉयडल सैपोजेनिन, और वो सैपोजेनिन के नाम से आपको एंजाइम याद रखना है, सैपोजिनेज, राइट। नेक्स्ट इज फिनोलिक कंपाउंड एंड थर्ड इज स्टार्च। तो दीज आर दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट। टू थिंग यू हैव टू रिमेंबर, डायोजेनिन एंड एंजाइम सैपोजिनेज। नीचे आप देख सकते हैं डायोजेनिन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, दैट इज साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रिन रिंग। और ये स्टेरॉयडल न्यूक्लियस जो है ये हर एक हार्मोन जो अपने बॉडी में है, जो सेक्स हार्मोन्स है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो एस्ट्रोजन्स है, वो सारे के सिंथेसिस के लिए लगता है। यानी कि डायोजेनिन एक्ट इज अ वेरी गुड प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। सो इट इज द मेन सोर्स ऑफ डायोजेनिन, विच इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायोस्कोरिया। सेकंड, इट इज वाइडली यूज इन मॉडर्न मेडिसिन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बॉडीज, सेक्स हार्मोन्स एंड अदर स्टेरॉयडल ड्रग, बिकॉज इट शोज द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस, दैट इज स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, विच इज रिक्वायर्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस हार्मोन्स। अदर देन दिस दे आर ऑल्सो यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स। तो आप इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी डायोस्कोरिया को यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने सिनोनिम में देखे है कि यह रूमेटिज्म रूट कहलाता है, इसीलिए इसको आप रूमेथाइड अर्थराइटिस में भी यूज करते हैं। तो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एज वेल एज अर्थराइटिस, बोथ आर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। इन बोथ दी केसेस यू कैन यूज डायोस्कोरिया ट्यूबर्स और डायोस्कोरिया राइजोम्स। दिस इज ऑल अबाउट डायोस्कोरिया। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।